प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते ही प्रदेश के अंदर 17 स्टोन क्रैशर बंद किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ऊना, कांगड़ा और शिमला जिला के स्टोन क्रैशर शामिल हैं। ये बात जिला कल्याण कमेटी की बैठक के बाद उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विक्रम ठाकुर ने कहा कि अवैध खनन करने वालों से करोड़ों रूपये का जुर्माना भी वसूला है। उसके बाद से लगातार हम इन चीजों के ऊपर मैक्सिमम कंसंट्रेशन लगा के काम किया है। आपके ध्यान में होगा 27 के करीब तो हमने क्रशर बंद कर दिए, और इसमें ये जो इलीगल माइनिंग होती है, इस इलीगल माइनिंग के अंदर करोड़ों रुपए का जुर्माना जो है पिछले 5 महीनों के अंदर लगा है इस इलीगल माइनिंग, और इसको रोकने के लिए मैंने अभी बताया आपको कि हमने व्यवस्था नहीं दी है। पहले ऑनलाइन कर दिया सारे का सारा सिस्टम, और उसके साथ साथ जहां जहां पे लीकेजेस थी उन लीकेजेस को बंद किया है हमने। अब ये नहीं है कि किसी ने कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, उसका हमने जुर्माना भी बढ़ाया, 5 गुना कर दिया जुर्माना। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग के माध्यम से जुड़ी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल की आयु के बाद पेंशन पर भी हमीरपुर में हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। ये जो हमारा जिला हमीरपुर है, इसमें एक जो वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी होती है उसकी आज मीटिंग थी। उस मीटिंग में अलग अलग योजनाएं, उसमें गृह अनुदान योजना है, उसमें पेंशन के साथ जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उसमें विकलांग लोगों के लिए जो हम योजनाएं देते हैं उन सारी की डिटेल, और खास करके जो उसका टोटल बजट होता है पूरे वर्ष का, उसका हम अनुमोदन करते हैं। तो आज उसमें सारी डिटेल में हमने बातचीत रखी है वहाँ पर, और आज से वो उस बजट का अनुमोदन हो गया है, और आने वाले दिनों में जो पात्र व्यक्ति हैं उनको, चाहे वो पेंशन है चाहे वो मकान है, वो मिलने शुरू हो जाएंगे। 70 वर्ष की आयु वाला हमने विषय लिया है। आपके यहाँ पर लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को अभी इन दिनों के अंदर ही उसका लाभ मिला है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने सबसे पहले आते ही योजना का शुरुआत किया था। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि नए औद्योगिक क्षेत्रों पडोगा और कांगड़ा में नई इंडस्ट्री लगाई जाएगी और 43 नए उद्योगों को भी सरकार ने स्वीकृति दी है, जिससे युवाओं के साथ लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, विजय पाल सोहारू भी मौजूद रहे। तो हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में अभी हमने 2 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है, एक आपका पडोगा है और दूसरा जिला कांगड़ा के अंदर है। दोनों इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर नई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी हम प्रयासरत है कि अच्छी इंडस्ट्री वहां पे आए। अभी ये जो सरकार हमारी बनी है, उस सरकार बनने के बाद लगभग 43 नए उद्योगों की स्वीकृति दी है, उसमें नए उद्योग भी है और एक्सपेंशन भी है। मैंने 2 इंडस्ट्री एरिया की बात की है जो पिछली की सरकार के टाइम के चिन्हित है, हम तो इनको डेवलप कर रहे हैं। हमने ये नहीं किया कि उन्होंने चिन्हित किया था तो इसको हम बैक रोल करके कोई और कुछ करें। वहां पर वो जो 2 एरियाज है वो बनेंगे। उसके अलावा अभी हमने जो अगला स्टेप देना है, जो हिमाचल प्रदेश का इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट के अंदर उद्योग आए, छोटा उद्योग आए। हमारी पिछली पंचायतों के अंदर सब्सिडी मिलती है जो इंडस्ट्री लगाता है। हमारा जो आगे जो आने वाले समय में जो कंसंट्रेशन रहेगी कि उसको हम और ज्यादा कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें वहां के लिए, उसके लिए भी हम कोई ना कोई योजना लेकर आ रहे हैं। इंडस्ट्री में भी अभी बजट के अंदर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का शुरुआत हुआ है। 26 मई को कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के में उसकी शुरुआत हुई है, और हम हिमाचल प्रदेश के नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश के नौजवान को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, और वो हिमाचल प्रदेश का नौजवान इस लायक बने कि लोग उसके पास रोजगार लेने आए। इस प्रकार की योजना हमने दी है और उसका उसकी धरातल के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है, और उसमें हमने बेरोजगारों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सब्सिडी की योजना है, 25% पुरुषों के लिए है, 30% महिलाओं के लिए है। जो हमने ब्याज लेना है बैंक से उसके ऊपर भी 5% सब्सिडी है। हमने जमीन खरीदनी है तो उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी जो लगेगी वो कम लगेगी। इस प्रकार से ये एक योजना अभी शुरू हुई है, मुझे लगता है इसका काफ़ी फायदा होगा।